गोकू और वेजिटा एक दूसरे के कट्टर राइवल्स हैं। वो हमेशा एक दूसरे को सरपास करने की कोशिश करते हैं और वो दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि कौन किससे बेहतर है। वेजिटा पूरी कोशिश करता है कि वो गोकू को सरपास कर सके, लेकिन गोकू हमेशा उससे एक स्टेप आगे ही होता है और कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता है या कोई नई टेक्निक ढूंढ लेता है। वेजिटा हमेशा सेकंड प्लेस आता है गो के मुकाबले, जबकि वो एक इलीट सैयन है जिसका पावर लेवल बर्थ पर बहुत ही ज्यादा था। वही गोकू का पावर लेवल सिर्फ 2 था और वो एक लो क्लास सैयन था। वो इतना लो क्लास था कि उसको प्लैनेट से बाहर ही फेंक दिया था, लेकिन क्योंकि अर्थ पर गोकू ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी और अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखा, इसलिए गोकू हमेशा वेजिटा से आगे रहता है। लेकिन ऐसे ही मोमेंट होते हैं कि जब वेजिटा गो को सरपास कर लेता है, और ये ज्यादा बार नहीं होता, सिर्फ कुछ ही बार होता है जब वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। ये मोमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन इनमें साफ साफ होता है कि गोकू से ज्यादा स्ट्रांग है वेजिटा, लेकिन बाद में गोकू हमेशा वेजिटा के आगे चला जाता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वेजिटा के टॉप 10 मोमेंट्स जहाँ पर वो गोकू सरपास कर लेता है और गोकू से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। या तो वो गोकू से ज्यादा स्ट्रांग फॉर्म पा लेता है, या फिर उसके पास ऐसी टेक्निक होती है जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। तो यह है टॉप 10 टाइम्स वेजिटा सरपास्ट गोकू। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 1, बर्थ पावर लेवल। जब वेजिटा और गोकू पैदा हुए थे तो उनके पावर लेवल में बहुत डिफरेंस था, और वेजिटा पूरी तरह गोकू सरपास कर लेता है। उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा था और वो एक एलीट सैयन था। वहीं गो के पास सिर्फ 2 ही पावर लेवल था और वो बहुत ही कम था। ड्रैगन बॉल सी के शुरुआत में हम एक फार्मर को देखते हैं जिसका पावर लेवल 5 था, तो गोकू एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा कमजोर था। वहीं वेजिटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो किंग वेजिटा का बेटा था, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक था, और वो एक इलीट सैयन था जो कि एक प्रोडिजी था, और उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट था गोकू से भी ज्यादा। और वेजिटा सैयन सागा से पहले हर वक्त गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी ट्रेनिंग भी नहीं करी, तो बिना ट्रेन के ही वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल था, वेजिटा के पास टैलेंट था और वो एक इलीट सैयन था। वही गो के पास कुछ भी नहीं था और वो अर्थ पर चला गया था, और यही मोमेंट था जब वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 2, जब गोकू किंग काई के पास ट्रेनिंग करके वापस आता है तो वेजिटा से लड़ता है, और इस फाइट के अंदर भी वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था। गो का पावर लेवल सिर्फ 8000 था और वेजिटा का पावर लेवल 20000 से भी ज्यादा था, लेकिन जब गोकू अपना कायोकन इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब वो कायोकन टाइम्स 3 तक पहुंचा तो वेजिटा को सरपास कर लेता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं होता और ये सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए होता है। और वेजिटा यहाँ पे पूरी तरह गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था, और इस पॉइंट पर वेजिटा ने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की। जब गोकू कायोकन टाइम्स 4 इस्तेमाल करता है तो वेजिटा को सरपास कर लेता है, लेकिन उसकी बॉडी की हालत बहुत खराब हो जाती है, और जैसे ही वेजिटा अपनी ग्रेटर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, वेजिटा गो को पूरी तरह सरपास कर लेता है और उसके टांगे तोड़ देता है। अगर याजोर भी वेजिटा की टेल नहीं काटता तो सब कुछ खत्म हो जाता और वेजिटा गो को मार देता। नंबर 3, जब वेजिटा को प्लैनेट नामिक पर ज़ेनकाई बूस्ट मिले। जब गोकू अर्थ से प्लैनेट नामिक पर आया तो वो खाली हाथ नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ संजोमिन लाया था, और जैसे ही वो नामिक पर आया तो उसने गोहान और किलिन को एक संजोमिन दिया और वेजिटा को एक संजोमिन दिया, और वेजिटा जब हील हुआ तो उसको एक ज़ेनकाई बूस्ट मिला जिससे वो गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। यहाँ पर वो गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जब गोकू अपना कायोकन इस्तेमाल नहीं करता, और जब उसको बाद में और ज़ेनकाई बूस्ट मिलते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कि उसको लगता है कि वो फ्रीजर को हरा सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं होता, और जैसे ही गोकू अपने चेंबर से बाहर निकलता है पूरी तरह हील होकर तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता, और गो के अलावा कोई नहीं था जो फ्रीजर को टक्कर दे सकता था, और क्योंकि वेजिटा गोकू से ज्यादा कमजोर था वो गोकू की आंखों के सामने मारा गया, और वेजिटा फ्रीजर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब गोकू हीलिंग चेंबर से बाहर निकला था तो वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यही एक मोमेंट था जब वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 4, जब वेजिटा सुपर सैयन बन जाता है, गोकू और एंड्रॉइड एंटिटी फाइट में साफ साफ होता है कि गोकू बहुत ही कमजोर है और उसके हार्ट वायरस की वजह से उसकी पावर बहुत कम हो चुकी है। तभी वेजिटा वहां पे आता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म दिखाता है, और सब बोलते हैं कि अब वेजिटा गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जब वो ट्रेनिंग करता है और सुपर सैयन अचीव कर लेता है तो फाइनली गो को सरपास कर लेता है। भाई गो को कैंसर हो चुका होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता है, और वो बेहोश होता है पूरे टाइम। लेकिन उस पूरे टाइम में वेजिटा मार ही खा रहा था। वो एंड्रॉइड 18 से लड़ता है और उससे बुरी तरह मार खाता है, और वो अपना हाथ भी तोड़वा देता है। तो अगर वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग भी था तो वो एंड्रॉइड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन जो भी हो, ये मोमेंट था जब वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था, और सबको ये पता था। टेंशनन और पिकोलो नोटिस भी कर लेते हैं कि वेजिटा गोकू के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है, और जैसे ही गोकू वापस आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोकू वेजिटा के आगे पहुंच जाता है। नंबर 5,
जब वेजिटा और ट्रंक्स हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर निकलते हैं। जब गोगो का कैंसर सही हो जाता है तो वो सबसे पहले ट्रंक्स और वेजिटा को हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में जाने देता है ताकि वो दोनों ट्रेनिंग करके वापस आ सके। और जब वेजिटा वहां से बाहर निकलता है तो वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और इस पॉइंट पर वेजिटा ने गोगो को पूरी तरह सरपास कर दिया था साफ साफ। गोकू को भी ये पता होता है और वेजिटा जब सेल से लड़ रहा था तो अपनी नई फॉर्म दिखाता है और वो होती है सुपर सैयन ग्रेड 2। और इस फॉर्म में आने के बाद वो सुपर सैयन की फुल पावर इस्तेमाल कर पा रहा होता है और गो को बहुत ही पीछे छोड़ देता है। इससे वो सेमी परफेक्ट सेल को भी और उसकी पिटाई करके रख देता है। और वेजिटा इस पावर को पाने के बाद इतना घमंडी हो गया कि उसने सेल को परफेक्ट बनने दिया और उसके बाद मार खाई। वेजिटा जीत रहा भी हो तब भी कुछ ऐसा करता है जिससे वो हार ही जाता है और वेजिटा की ये बहुत बड़ी गलती थी और वो सेल से बहुत ही मार खाता है। वो सेल के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वही गोकू जब वापस आता है तो उसने सुपर सैयन को मास्टर कर लिया होता है और सुपर सैयन ग्रेड 2 को सरपास कर लिया होता है। और वेजिटा भी समझ जाता है कि गोकू के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर वेजिटा इतना कमजोर होता है कि वो गोहान के मुकाबले भी बहुत ही कमजोर होता है। गोहान ने भी गोकू की मदद से वेजिटा को सरपास कर लिया और जब गोकू अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है तो वेजिटा ठान लेता है कि वो कभी भी फाइटिंग नहीं करेगा। तो ये वेजिटा के लिए बहुत बुरा था लेकिन गोकू के बाहर आने से पहले वो गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था। और ये एक मोमेंट था जब सबको पता था कि वेजिटा गोकू के मुकाबले कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। नंबर 6, जब वेजिटा बीरस से लड़ता है। बीरस और गोकू की पहली फाइट में गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर भी बीरस के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और बीरस उसको वन शॉट कर देता है। और बीरस गो की पावर को देखकर थोड़ा सा इंप्रेस हो गया था लेकिन जब उसने पूछा कि सुपर सैयन गॉड कहाँ है तो गो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उसने गो को हरा दिया और वो गया अर्थ पर ताकि वो दूसरे सैयन से पूछ सके और वो दूसरा सैयन था वेजिटा। वेजिटा को भी सुपर सैयन गॉड का कुछ नहीं पता था और उसके पास सुपर सैयन 3 भी नहीं था। तो वेजिटा कुछ भी करता है ताकि बीरस को गुस्सा आना है, जैसे डांस करना और कुकिंग करना। लेकिन जब बीरस बुलमा को स्लैप कर देता है तो वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो रेस में सुपर सैयन 3 को भी सरपास कर लेता है। और सब नोटिस भी कर लेते हैं कि वेजिटा की रेस फॉर्म कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। वो बीरस को मार रहा होता है और वो सुपर सैयन 3 गोकू से भी अच्छी फाइट कर रहा होता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है कि वो बीरस का खून भी निकाल देता है और वो भी सुपर सैयन 3 के बिना। वो सुपर सैयन 3 के बिना उसको सरपास कर लेता है, वो भी अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म के अंदर, और बीरस को एक सेकंड के लिए डरा भी देता है। लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता और ये एक टेम्पोरेरी बूस्ट था। तो वेजिटा बीरस के सामने कुछ नहीं कर पाता लेकिन इस ग्रेट मोमेंट के अंदर वेजिटा ने फाइनली गो को सरपास कर दिया था उसकी सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर भी। और ये वेजिटा के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। ये रेस देखकर दूसरे फाइटर्स भी बोलते हैं कि वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। इसलिए ये वेजिटा के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। नंबर 7, जब वेजिटा वीस के साथ 6 महीने ट्रेनिंग करता है। जब वीस अर्थ पर आता है तो वेजिटा भीख मांगता है कि वो उसको ट्रेन करे और वीस मान भी जाता है। और तभी वो वीस के साथ ट्रेनिंग करता है 6 महीने के लिए, जहां पर वो गॉड की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहां पर वो गॉड की भी सीख लेता है और अपने दम पर सुपर सैयन गॉड भी अचीव कर लेता है, जो कि गोकू ने एक रिचुअल करके अचीव किया था। और जब गोकू भी वीस के साथ ट्रेनिंग करे आया तो गोकू बोलता भी है कि वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। गोकू बोलता है कि उसकी की इतनी बदल गई है कि उसने देखा भी नहीं कि ये वेजिटा है। और गोकू साफ साफ बोलता है कि अब वेजिटा भी गोकू से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और ये सब हुआ होता है क्योंकि उसने वीस के अंडर ट्रेनिंग की होती है। और जब गोकू वहां पर आता है तो वो भी वीस के साथ ट्रेनिंग करता है और वो दोनों एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक साथ ही सुपर सैयन भी अचीव कर लेते हैं। और जब गोकू फ्रीजा के हाथों मारा जाता है तो वेजिटा सब कुछ संभाल लेता है। तो यही एक मोमेंट था जब वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रांग था। नंबर 8, जब वेजिटा ने स्पिरिट फिजन सीख लिया। मोरो आर्क के अंदर दोनों गोकू और वेजिटा अपने रास्ते बदल लेते हैं और ट्रेनिंग करने चले जाते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग बन सके और मोरो को अपने हाथों से हरा सके। गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंप्लीट कर ले। वही वेजिटा जाता है यार्डार्ड पर ताकि वो नई एबिलिटी सीख सके जिससे वो गो को सरपास कर सके। और जब गो की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को एक्टिवेट करना सीख लिया होता है, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब मोरो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है तब गोकू भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और गोकू इस फॉर्म को ज्यादा देर तक इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। तभी वेजिटा वहां पे आया इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके और वो मोरो से फाइट करना शुरू कर लेता है। वो मोरो को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और सबको लग रहा होता है कि वेजिटा मोरो को कभी नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी मोरो की एनर्जी जाने लग जाती है और मोरो अपनी एनर्जी को खोने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वेजिटा ने क्या सीखा है। उसने याडियाटी ने सीखा स्पिरिट फिजन, जिससे वो किसी भी फ्यूजन और किसी भी एब्जॉर्प्शन को अलग कर सकता है। और ये चीज परफेक्ट थी मोरो से लड़ने के लिए। और इस मोमेंट पर वेजिटा ने गोकू भी सरपास कर लिया था अपनी इस नई टेक्निक से। गोकू भी ये नोटिस कर लेता है कि ये कौन सी टेक्निक है और याडियाटियंस बोलते भी हैं कि वेजिटा ने कितनी जल्दी ये सीख लिया और उसको एक टैलेंटेड प्रोडिजी भी बोलते हैं। तो वेजिटा ने अपने टैलेंट और अपने हार्डवर्क की मदद से गोकू को फिर से सरपास कर लिया और ये वेजिटा के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। नंबर 9, वेजिटा अल्ट्रा ईगो।
ग्रैनोला आर्क के अंदर जब गोकू और ग्रैनोला फाइट करते हैं तो उनकी फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। ग्रैनोला पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल होता है, वहीं गोकू भी यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल में से एक होता है। लेकिन जब गोकू अपनी मास्टर्ड अल्ट्राइजिंग फॉर्म यूज करता है तो ग्रैनोला को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ग्रैनोला अपनी चालाकी से गोकू हरा लेता है। तभी वेजिटा की बारी होती है ग्रैनोला से लड़ने के लिए, और तभी वेजिटा अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो होती है अल्ट्रा ईगो। इसमें वो ग्रैनोला को भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और उसको पीट रहा होता है। ये देखकर ग्रैनोला भी डर गया होता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वेजिटा के पास क्या आ चुका है। और इस मोमेंट पर वेजिटा ने फाइनली गो को सरपास कर लिया था, उसने गो की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सरपास कर लिया था अल्ट्रा ईगो से। और फॉर्म के अंदर वो जितना भी मार खाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये पहली बार था जब वेजिटा ने गो को फॉलो नहीं करा और उसी की फॉर्म नहीं पाने की कोशिश करी, बल्कि वेजिटा अपने रास्ते पे गया और उसने पा लिया अल्ट्रा ईगो। और इसी मोमेंट पर वेजिटा ने फाइनली गो को सरपास कर लिया था। लेकिन आगे जाकर गोकू वेजिटा को फिर से सरपास कर लेता है जब वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इवॉल्व कर लेता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और यहाँ पर वो वेजिटा को फिर से सरपास कर लेता है। लेकिन उससे पहले वेजिटा ही था गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर वेजिटा अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर ले तो फाइनली गो को सरपास कर लेगा। और फाइनल पे है मैं हार गया। ओह वाह, तो वेजिटा जीत गया है। नंबर 10, गोकू वर्सेस वेजिटा सुपर हीरो मूवी। ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो के अंदर वेजिटा और गोकू फिर से लड़ते हैं जब वो बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ब्रॉली को भी वहां ले आते हैं, क्योंकि ब्रॉली फाइट नहीं कर सकता था और उसका पिंग पावर कंट्रोल नहीं था, तो गोकू और वेजिटा एक दूसरे से लड़ते हैं। ये फाइट उनकी बेस फॉर्म में होती है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, तो इसका मतलब उनको अपनी फाइटिंग एबिलिटीज और अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी होगी। इन दोनों की ये फाइट बहुत ही खतरनाक होती है और वो दोनों बिल्कुल एक ही लेयर पर होते हैं। लेकिन हम लोग फाइट के आखिर में देखते हैं कि वेजिटा फाइनली गोकू को नीचे गिरा देता है और गोकू अपने मुंह से हार मार लेता है और वेजिटा फाइनली जीत जाता है। ये वेजिटा के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था और ये मेरा भी फेवरेट मोमेंट था। इसमें वेजिटा ने फाइनली गोकू को सरपास कर लिया है, वो भी अपनी ट्रेनिंग की मदद से। वेजिटा कब से कोशिश कर रहा था गोकू को सरपास करने के लिए और उसने फाइनली कर लिया, वो भी अपनी बेस फॉर्म के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, वेजिटा आगे जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और इस फाइट से पता चलता है कि वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, वो भी अपनी बेस फॉर्म के अंदर। लेकिन गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से वो अब भी वेजिटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेस फॉर्म के अंदर वो वेजिटा से ज्यादा कमजोर है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि वेजिटा गोकू को सरपास कर सकता है? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। और मैं तुम नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।